हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। मेरा नाम है क्रिस शर्मा। तो आज हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम ली होती है, मतलब कि उन सब बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 11th क्लास के अंदर आर्ट्स स्ट्रीम ली है। वो फ्यूचर में जाके कौन कौन से ऐसे कोर्सेस वगैरह हैं जिनको वो कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी मतलब पोस्ट वगैरह है जिन पर वो अच्छे खासे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो है लोगों ने मतलब ये वहम बना रखा है कि जिन बच्चों ने आर्ट्स लिए है उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर एक्चुअल में बात करी जाए तो जिन बच्चों ने आर्ट्स ले रखी होती है उन्हीं का फ्यूचर बहुत ज़्यादा होता है आगे। ठीक है, लोग वगैरह क्या पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास सब्जेक्ट कौन से, तुमने कौन सी स्ट्रीम ली है, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह या फिर जो तुम्हारे और भी दोस्त हैं वो सारे सारे ये बात ज़रूर पूछते हैं कि भाई तुमने क्या लिया। सबसे जो पहला नाम लेंगे ना वो साइंस लेंगे, फिर दूसरे नंबर पर वो कॉमर्स का लेंगे, लास्ट में लेते हैं आर्ट्स का। ठीक है, अगर तुमने बोलते हो कि हाँ भाई मैंने आर्ट्स लिए तो वो तुम्हें मतलब एक अलग ही निगाहों से देखते हैं। ठीक है, तो अब हम उन सारे के सारे कोर्स के बारे में लाइन बाय लाइन बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो एक आर्ट्स का बच्चा कर सकता है, उसमें अपना फ्यूचर बना सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे जो पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास बीए है। बीए हमारे पास क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जो हर एक बच्चा क्या 12th के बाद मान लो एक बार करने की सोचता जरूर है। तो बीए के अंदर हमारे पास बीए के दो पार्ट होते हैं। देखो बीए में हमारे पास एक होता है प्रोग्राम, ठीक है, और जो दूसरा होता है ऑनर्स। तो बीए ऑनर्स का और प्रोग्राम में देखो डिफरेंस क्या है। बीए ऑनर्स के अंदर जो भी बच्चे वगैरह होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन जो बीए प्रोग्राम है उसके अंदर क्या है कि उनके पास सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि वो किस सब्जेक्ट से आगे जाके बढ़ना चाहते हैं। देखो अब ना हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हमारे पास है जर्नलिज्म। देखो ऐसे ना हम मैं क्या कि जितने भी लिस्ट वगैरह हैं वो सारी की सारी लिस्ट मैं लाइन से बता रहा हूँ। देखो जैसे पहले हमारे पास है बीए जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, बीए एलएलबी, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, ग्राफिक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, प्रोफेशनल आर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स। देखो तो हमारे पास क्या है कि ये सारे के सारे ना मतलब एक तरीके से लाइन से आ जाते हैं। तो इस अब जो वीडियो में आ गया आप एंड तक देखना, मैं तुम्हें ना ये सारे के सारे जो हैं लाइन बाय लाइन लिस्ट से बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैं मैंने जो बीए के बारे में वो बता चुका हूँ। अब जो अगली बात बता रहा हूँ जर्नलिज्म के बारे में। देखो जर्नलिज्म के अंदर होता क्या है, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो है सोशल मीडिया के ऊपर ना मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का क्रेज़ है। तो जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो सारे के सारे क्या हमारे पास जर्नलिज्म के अंदर आ जाते हैं। कोई सी भी एक इन्फॉर्मेशन को कहीं से कलेक्ट करके किसी दूसरे जगह पर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ये सारी की सारी बात हमारे जर्नलिज्म के अंदर आती है। ठीक है, सोशल मीडिया पर आजकल क्या कि बहुत सारे लोग जो है अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अगर देखो किसी की बात करें जो सोशल मीडिया से टोटली कनेक्टेड है, या फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया से ही अच्छा खासा अर्न करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे को तो आप जानते होंगे, जैसे अगर मैं और की बात करूं तो पहले मेरे पास क्या कि यूट्यूब से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं पैसे, या फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह बना रखी है जिस पर वो डेली बेसिस पे जितनी भी जानकारी वगैरह होती है, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है, जो भी न्यूज़ की अपडेट वगैरह होती है, वो सारी की सारी प्रोवाइड कराते हैं और अच्छा खासा पैसा क्या कमा लेते हैं। ठीक है, अगली बात हम करते हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। देखो होटल मैनेजमेंट में लोगों का अक्सर ये मतलब कि हमेशा ये उनका माइंडसेट है कि होटल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ खाना बनाना बताया जाता है। होटल मैनेजमेंट के अंदर खाना बनाना ही नहीं बताया जाता, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जैसे मैनेज करना किसी चीज़ को, या फिर वहाँ पे अगर कोई इवेंट वगैरह तो उन सबको मैनेज करना, अगर कोई मेहमान वगैरह मान लो कि आते हैं तो उन सबको मैनेज करना। ठीक है, या फिर और भी जितनी बातें होती हैं वो सारे सारे होटल मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती है। इसमें है क्या कि मतलब सिर्फ तुम खाना बनाने से रिलेटेड बातें नहीं करते, इसके अंदर क्या और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो सारी की सारी तो जो होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट के अंदर सारी की सारी बातें वो देखी जाती हैं जिससे कि मान लो पूरा होटल एक अच्छे से मैनेज हो जाए। तो होटल मैनेजमेंट भी 12th के बाद, या फिर जो वो बच्चे जो आर्ट्स से कर रहे हैं अपना आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आराम से होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला है वो है इवेंट मैनेजमेंट। देखो इवेंट जो मैनेजमेंट है इसका मतलब क्या है, तुम जब भी कोई शादी पार्टी वगैरह होती है, फिर जो बड़े बड़े जितने भी इवेंट होते हैं उन सब में तुम्हें उन सब को तुम्हें मैनेज करना होता है। इसमें भी अच्छा खासा पैसा है। जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं वहाँ पे अगर कोई फंक्शन वगैरह करवाना होता है तो उसमें क्या है, एक जो सबसे जो टॉप जो रोल जो अपना निभाता है वो कौन होता है, एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट अगर तुम मान लो इसका कोर्स कर लेते हो
तो अच्छी खासी अर्निंग तुम्हारी हो जाती है आराम से कम नहीं, अगर मान लो बहुत ज़्यादा मिनिमम कमाते हो, तुम्हारा जो ईयरली पैकेज है वो कम से कम 12 से 15 लाख का आराम से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जो हमारे पास है BA LLB। देखो BA LLB के अंदर है क्या, मतलब तुमने इसमें क्या है कि जो एक टाइप के वकील ही बनते हो, तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के वकील बनते हो। ठीक है, क्रिमिनल, देखो जो तुम लॉयर बनते हो ना, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, या फिर जो प्रॉपर्टी लॉयर है वो बन सकते हो, या फिर अगर अगली बात करें तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लॉयर वगैरह बन जाओ, या फिर और जितने भी टाइप के लॉयर है ना वो तुम आराम से बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात का हमारा जो है वो है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस। देखो अगर तुम्हें ऐसा है कि हाँ भाई 12th के बाद ही क्या किसी भी टाइप के टीचर बनना चाहते हो, या फिर उससे आगे वो BEd वगैरह करके तुम टीचर बनना चाहते हो, तो 8 से अच्छा खासा टीचर बन सकते हो। देखो मोस्टली जो टीचर होते हैं ना वो 8 से ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हिंदी के टीचर होते हैं, या फिर जो इंग्लिश वगैरह के टीचर भी होते हैं ना, वो मोस्टली क्या 8 से ही होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी जो आर्ट्स का बच्चा है वो 12th के बाद टीचर कोर्स में ऐड होना चाहता है, टीचर कोर्स करना चाहता है, तो वो आराम से कर सकता है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग ले सकता है, जिससे वो क्या है कि आगे जाके मान लो उसका फ्यूचर है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि देखो मतलब किसी के भी मन में ना ये बात ज़रूर आती है कि भाई टीचर में तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में जाके टीचर बनो। अगर तुम प्राइवेट स्कूल में किसी अच्छे से प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर बन जाते हो तो वहाँ पे भी सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, जो हमारे पास जो अब नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। अगला हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनर। देखो ग्राफिक डिज़ाइनर का पहले मतलब समझो होता क्या है, जितने भी टाइप के जो हमारे पास वॉलपेपर वगैरह होते हैं, या फिर जितने भी डिज़ाइन वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या है ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाते हैं। और एक एक जो वॉल होती है या फिर जो एक एक डिज़ाइन है वो कम से कम लाखों में बिकती है आराम से। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट बन जाते हैं ना अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर में, तो हमारे पास होता क्या है कि बड़ी से बड़ी कंपनी वगैरह हमें हायर करने के लिए आती है। अगर हमारे जो ग्राफिक्स जो हमने बनाए हैं अगर वो मान लो कि टॉप लेवल पे चल जाते हैं, तो बंदा जो है मतलब कोई भी जिसने ये कोर्स किया है वो करोड़ों में आराम से कमा लेता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी एक क्या वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट्स। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फैशन डिज़ाइनर, तो फैशन डिज़ाइनर हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर अगर कोई चाहे तो करोड़ों कमा सकता है, और चाहे तो लाखों, और ना चाहे तो कुछ नहीं कमा सकता। ठीक है, फैशन डिज़ाइनर हमारे पास एक ऐसा कोर्स हो जाता है। देखो जितने भी हमारे पास जो बड़े बड़े टॉप मॉडल या फिर एक्टर्स वगैरह होते हैं, उन सब के एक पर्सनल जो है फैशन डिज़ाइनर होते ही होते हैं, क्योंकि जो भी बड़े बड़े टॉप मॉडल या फिर जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं जो एक टॉप लेवल का जो फैशन डिज़ाइनर होता है उनके लिए सिलेक्ट करके देता है। ठीक है, तो देखो जो फैशन डिज़ाइनर का कोर्स ऐसा है, अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल इसमें बन जाते हो तो मान लो मंथली इनकम तुम्हारी कम से कम 50 लाख क्रॉस कर जाती है आराम से, क्योंकि एक डिज़ाइन बनाने के तुम्हें कम से कम लैक्स में पेमेंट मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कोई भी जो प्रोफेशनल आर्ट्स है। देखो प्रोफेशनल आर्ट्स के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, अब जो प्रोफेशनल आर्ट्स के अंदर जैसे मान लो तुम्हारी पेंटिंग आ जाए, ठीक है, या फिर तुम्हारी कोई स्पीच वगैरह आ जाए, तो प्रोफेशनल आर्ट्स के अंदर अगर बहुत ही बात करते हैं तो हमारे पास मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी आराम से इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और फिर जितने भी टाइप के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सबको वो सारे सारे आर्ट्स के बच्चे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वही सारे के सारे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर जो पोल साइंस वगैरह होते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं, यही सारे के सारे क्या पूछे जाते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं किस पे, कि जो हमारे आर्ट्स के अंदर जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, वो कोई भी बच्चा जो साइंस से होता है या फिर जो कॉमर्स साइड से होता है उसको भी क्या है कि आर्ट्स की बुक पढ़नी पड़ जाती है अगर वो अपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहा होता है। तो देखो जो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन थे, तो अगर इन सब में से किसी एक में भी तुम मन ला के कर लेते हो तो मान लो तुम्हारी लाइफ जो है सेट हो जाती है। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि वो 12th के बाद जो है रेगुलर कॉलेज करें या फिर ओपन से करें। देखो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि तुम रेगुलर कॉलेज करो या फिर ओपन से करो, दोनों का जो सर्टिफिकेट है वो एकदम सेम आता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। देखो अगर
डिपेंड करता है कि तुम रेगुलर लो या फिर ओपन से करो। अगर जो फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह घर की ठीक होती है तो हाँ भाई मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रेगुलर लो, ठीक है। और दूसरा ये कि तुम नहीं भी जा सकते हो, क्योंकि रेगुलर ना वो बच्चे लेते हैं जिनको कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी होती है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तुम्हें खुद जॉब करके खुद करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ओपन से करो, ठीक है। क्योंकि देखो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको DUB बोलते हैं, तो जो DUB क्या है, सोल से करवाता है आराम से, ओपन से DUB करवाता है। और फिर जाके अगला हमारे पास इग्नू है, ठीक है। तो इग्नू वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास है कॉलेज है ओपन के लिए, जो ईजी भी है, जिसमें परसेंटेज भी अच्छे खासे बन जाते हैं। DU में मोस्टली जो है बच्चों के 60% से अबव नहीं आते। तो गाइज देखो ये सारी की सारी बात थी हमारे पास आर्ट्स के अंदर। तो आर्ट्स भी क्या है कि एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम है, जो कि लेना अगर कोई चाहे तो ले सकता है आराम से। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर लेना। थैंक यू।